आपका मन में क्या था, संस्कृत संभाषण से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? What was expected from this class? How do you want to contribute after these classes, and what are you expecting in coming days from Sanskrit Club? Okay, जितने जल्दी शुरू करेंगे हम नेक्स्ट कार्यक्रम में जा सकते हैं. कोपि आगच्छतु, भवान् प्रथमे परिचयं करोतु, अनन्तरम् अनुभवकथनं वदतु. एक्सपीरियन्स् कोपि आगच्छतु. मम नाम सतेंद्र, मम विभागे मेटलर्जी पदार्थ एवं अभियांत्रिकी धातुकर्म एवं धातुकर्म पदार्थ एवं अभियांत्रिकी विभागे अस्ति अस्ति. आने से पहले आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आई शुड नो द बेसिक्स कॉन्सेप्ट विच ऑफ द संस्कृत सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स विच आई रीड यूजुअली कम अक्रॉस द संस्कृत. मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ आकर के, और मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार क्लासेस वर इंटरैक्टिव. आई कुड इजली गेट ऑल दोज थिंग्स विच वॉज बिंग टॉट ओवर हियर, एंड आई रियली अप्रिसिएट दिस एफर्ट ऑफ संस्कृत क्लब, एंड इट वॉज ग्रेट टू सी दैट सच अ इनिशिएटिव वॉज बिंग टेकन, एंड मोर ओवर आई अप्रिसिएट द लेक्चर विच सर अरेंज्ड अबाउट कैलकुलस. एंड further I'm expecting events like I'm expecting from Sanskrit Club, in Sanskrit Club, that during the cognizance many people from other institute will come in order to promote Sanskrit. Either we can put all these things over there, like in LSC all these workshops are being arranged, so we can put over there in order to promote that the knowledge which we know in the English was being earlier given in Sanskrit too, so that many people from other college should appreciate it, and they must get motivated, and they can put forward all these efforts in their college, and I'm ready to contribute in every way I can to Sanskrit. Thank you. Thank you. कोऽपि आगच्छतु. अभिषेकः आगच्छतु, शीघ्रं शीघ्रं सबको देख, हरे को तो बोलना पड़ता है ना. बी फील फ्री, आगच्छतु आगच्छतु. गजेंद्रः मम नाम अमित ठाकुर अस्ति. अहम धातुकर्म एवं पदार्थ विभागे पठामि. अहम अत्र राजेन्द्र भवने निवसामि. मह्यं संस्कृतं रोचते. संस्कृत में आने से पहले इति कथ्यते कि संस्कृत देव भाषा अस्ति. संस्कृतम संसारस्य प्राचीनतम एवं बहु मधुरम भाषा अस्ति. तो अतः अहम् अत्र आगतवान्. इति कथ्यते श्रीकृष्ण
केवलं सप्त श्लोके केवलं सप्त श्लोके सम्पूर्णं भगवद्गीता कथित उक्तवान्। अतः संस्कृतं बहु शीघ्रम् अस्ति, अतः अत्र अहम् अत्र आगतवान्। अत्र शिक्षकाः बहु शोभनं पाठितवन्तः, अतः अहं संस्कृते मयं संस्कृतं सरलम् अभवत्। अतः अहं ऐ केन् वेन् ऐ डू प्रेयर् इन् संस्कृत, सो ऐ केन् अण्डर्स्टाण्ड् आल् ईज़िलि। एण्ड् अहम् इच्छति इति संस्कृत क्लब् इति संस्कृते निबन्धप्रतियोगिता कुर्यात्, अथवा भगवद्गीता भगवद्गीतायाः भगवत्पुराणस्य च भाषणं संस्कृते कुर्यात्। धन्यवादः। एक बार देखो बुलाना पड़ेगा। शुभ संध्या, अहम विंध्यवासिनी प्रसाद, अहम जानपद अभियांत्रिकी स्नातक द्वितीय वर्ष छात्र अस्मि। मम अपेक्षा संस्कृत संभाषण शिविर बहु शोभनीयम् आसीत्, शिक्षकाः च बहु समीचीनं पठितवन्तः। मेरे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा थी, मतलब ज़्यादा नहीं, इन द सेंस मुझे ऐसा लगा था कि शायद और कुछ भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन शायद इस बात को मैं भूल गया था कि एलिमेंट्री लेवल से शुरू करेंगे, तो फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये तो प्रयास तो काफ़ी सराहनीय रहा, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी लोगों का जो बराबर पार्टिसिपेशन रहा। और अगर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा संस्कृत क्लब के लिए, अगर ऐसी एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना, मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा तैयार। नमो नमः। अहं दिगंत राय अस्मि। अहं धातुकर्म एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभागस्य चतुर्वर्षस्य छात्रम् अस्मि। सो बिफोर जॉइनिंग संस्कृत क्लास, I studied Sanskrit until 8th standard or so in my school. So I didn't have much expectations, but there was one of my friend who also had some interest in Sanskrit. So we used to converse with him periodically in Sanskrit, and it used to be fun. So I never expected that I would have access to Sanskrit again in my college life, but during the last few months of my college life, this was a wonderful initiative taken up by Sanskrit Club IITR, and I got to revise my basics as well as learn so many new concepts of Sanskrit. And now I can proudly say that I'll be going to a job, or I'll be probably doing an MBA after my college life. I would like to take up this initiative wherever I go. I would like to get in contact with Sanskrit Bharati and set up another branch of Sanskrit Club in whichever place I go. So this would, so I have been really motivated to do so, and I will do so. And this has been a wonderful learning opportunity for me, and this has been one of my best parting gifts while I leave this college. Thank you. संस्कृतं सर्वं चलति।
भवतः भवत्याः कथनम् एक्स्पीरियन्स् मुख्यमस्ति. अहम् अति प्रश्नम् स्वीकृतवान् संस्कृतभाषाणां विभागः मुझे काफी अच्छा लगा और मैं सोचती हूँ कि अपनी शोध पत्रिका भी मैं संस्कृत भाषा में लिखूं. अहं विक्की आनन्दः अस्ति. मम विभागः प्रबन्धविभागः अस्ति. अहम् अत्र आगत्य वार्तालापं कर्तुं समर्थः भवत् संस्कृतं संभाषणं शिबिरं मुख्य मुख्य कारकम अस्ति. इदानीं अहम् संस्कृतं समझने में समर्थ अस्ति. अहम संस्कृत शिविरम संस्कृत शिविरम जब भी वहाँ कोई मतलब संस्कृत से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम होगा तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा. पार्टिसिपेट करने का स्टेज क्रॉस हो गया. यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स. भवान सर्वे भवत सर्वे पंडितः सो नाउ वी हैव टू बी द इनिशिएटर्स नॉट जस्ट पार्टिसिपेटर्स. आई मीन दैट इज माय फीलिंग. अस्तु. हम लोग इसे आसपास के स्कूल कॉलेज जो भी हैं वहाँ ले जा सकते हैं. जैसे शनिवार रविवार को फ्री रहते हैं उस टाइम पे हम लोग ले जा सकते हैं आसपास के कॉलेजों में. इनिशिएट लीजिए. शिक्षक आगच्छति आगमिष्यति वो पढ़ाएंगे मिलके इनिशिएट करते हैं. सो हम लोग ऐसे टारगेट रख सकते हैं. सिलेबस देख चुके हैं ना टीचर ने जो पढ़ाया था. 7 दिन का 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप होती है. रेजिडेंशियल कैंप 24/7 हरिद्वार में समर में और विंटर में होती है. हेमंत महोदय एक बार गए थे उनका अनुभव ले सकते हैं. वहाँ पे हमको ट्रेनिंग देंगे क्लास कैसे लेना है. सो इफ यू इंटरेस्टेड जस्ट वर्क सो इदानीं अनुभव कथनं चलति. अहम दुर्गा सप्तश्लोकी केवलम अनुभव कथम
धन्यवाद अनंतरम जो लेट आए हैं थोड़ा याद दिलाने के लिए यहाँ आने के पहले क्या अपेक्षा कर रहे थे यहाँ पे कैसा लगा बाद में आप संस्कृत क्लब से क्या अपेक्षा कर रहे हैं और आप किस पद्धति से योगदान देना चाहते हैं हाउ डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट राइट मम नाम दीपिका अस्ति अहम मम विभागे गणित विभाग अस्ति अहम द्वितीय वर्षे छात्रा अस्मि और मुझे संस्कृत क्लास में काफ़ी अच्छा लगा मतलब हर शाम को हम लोग आते थे संस्कृत वगैरह सीख मतलब संस्कृत सीखते थे खैर अभी भी मतलब इतनी अच्छे से नहीं आती पर आगे और ज़्यादा सीखेंगे और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें भाग भी लूँगी और बाकी ऑर्गेनाइज भी करेंगी नमो नमः मम नाम तुलसी अस्ति अहम गणित विभागे द्वितीय वर्षस्य छात्रा अस्मि और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये एक्सपेक्टेशन जितनी थी मतलब शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था पर बहुत मज़े आए बाकी आगे कंट्रीब्यूट करते रहे सबसे अच्छा जो लगा वो था कि टीचर्स का पढ़ाने का तरीका मतलब जिस तरह से बचपन में जो भी चीज़ हमने सीखी थी मतलब ज़्यादा एफर्ट्स लगाए बिना वैसे ही लगा यहाँ पे कि बहुत कुछ सीख लिया और पता ही नहीं चला कब इतना ज़्यादा सीख लिया तो वो सबसे अच्छा था पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया और इंटरेक्शन सेकंड जो अच्छा लगा वो इंटरेक्शन जो था कि सर ने कुछ भी पूछ लिया अचानक से उसका आंसर देना वो बड़े मज़ेदार रहा बाकी आगे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी डेफिनेटली मैं पार्टिसिपेट करेंगी मतलब बहुत मन अच्छे से सीखने का और आगे अच्छे से संस्कृत सीखने का बहुत मन है जो भी होगा अच्छे से करने सर्वे जना नमो नमः मम नाम पल्लव अस्ति अहम जनपद अभियांत्रिकी विभागे चतुर् अंतिम सत्र छात्र अस्मि अनुभव संस्कृत अनुभव अभी अतिशोभनम अस्ति मम अहम किमपि संस्कृत न जानामि मैंने क्लास 8 तक संस्कृत क्षमा मैंने क्लास 8 तक संस्कृत पढ़ा था बट कभी इंटरेस्ट नहीं आया इतना ज़्यादा और हमेशा यही लगता था कि कभी सीख नहीं पाऊँगा तो यहाँ भी ऐसा ही था रिडंडेंट था थोड़ा सा कि आऊँगा तो पता नहीं क्या रहेगा ऐसे ही चलते हैं देखते हैं बट जो इनका टीचिंग मेथोडोलॉजी संस्कृत भारती के जो वॉलंटियर्स आते थे यहाँ पे शिक्षक आते थे उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी इतनी अच्छी थी कि पता ही नहीं चला कब इतना कुछ सीख लिया तो बस ऑल द बेस्ट टू संस्कृत भारती अब तो पास आउट हो रहा हूँ जहाँ जाऊँगा वहाँ पर संस्कृत का प्रचार प्रसार करूँगा मम नाम अर्पिता अस्ति और मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ ज्ञानपद अभियंत्रिकी का मैं एक्चुअली पूरा अटेंड नहीं कर पाया था मैं सिर्फ आधे दिन आ पाया था पर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरा एक्चुअली मुझे संस्कृत ज़्यादा नहीं आती थी वही जैस सब ने 8 तक पास किया है एग्ज़ाम स्कूल में वैसे ही मैंने भी पास ही किया था सिर्फ तो ये पहली बार मतलब पढ़ मतलब सीखने की इच्छा से पहली बार मतलब मैं कुछ कर रहा था संस्कृत में तो ये एक तो सबसे अच्छा था जो लर्निंग मेथड जो एक तरीके से लर्निंग का जो तरीका था वो एक काफ़ी नया था मतलब जो अब तक जो हम सीखते आ रहे थे मतलब जो भी हमने लैंग्वेज सीखी या कोई भी नई भाषा को सीखने का जो तरीका था कोई भी नई चीज़ को सीखने का जो तरीका था उससे काफ़ी अलग था और ये तरीका मतलब जैसे मतलब जो एक नेचुरल जो वे होता है शायद वो था ये सीखने का कि जैसे हम बचपन से कोई भी भाषा को धीरे धीरे करके सीखते हैं तो इसलिए ये तो जैसे सब ने बोल ही चुके हैं कि पता नहीं चला कि थोड़ा बहुत जितना भी सीखा और काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था और मतलब उम्मीद करता हूँ कि आगे भी
पार्ट भी करता रहूंगा और ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्प करता रहूंगा संस्कृत भारती की. धन्यवाद. नमो नमः. मम नाम माधव अस्ति. अहं द्वितीयवर्षीय छात्रः अस्ति. And about expectations, a lot of things came up already. One was about understanding the prayers that we speak, right? So that was quite fulfilled. And second part is, as everyone is reiterating about the teaching methodologies. So in the starting of the, on the very first day, we talked about the four steps that are there. You know, first you listen and then speak. And then read and write, you know, that is not implemented with other languages in the school. So during the first few days, I even talked with my sister and my jijaji aur didi dono prathamik school mein karyarat hai aur unko gujarat mein hai to gujarati evam angrezi sikhane ke samay kafi aati hai, problems aati hai. So I was discussing to them also about the methodology adapted here for the Sanskrit that can be adopted for other languages too, about the, you know, use of some props or, you know, some interactions or activities that are taken up in the class that for languages. So I think from Sanskrit point of view, I am not at present clear how it will be useful or how it will be implementing. But from the methodology part for any language in general, I think I took something out of here. About Sanskrit Club, the thing is with Anil sir and other volunteers who are part of here, I have been working in other activities too, and the model is fantastic. You know, it's quite a little bit different from the other groups functioning in the campus. It's completely voluntary based and you enjoy and learn a lot, right? So there is no doubt about that I would be working in whatever activities that we take up. And as I had talked with Anil sir also earlier, that we can do something like, maybe, I don't know, I wasn't present in the last few classes, so I don't know whether it has been implemented or not. But, given Sanskrit text is there, or a shlok is given, and we try to decipher on our own. We try to guess, ki haan, iska meaning ye hoga, iska meaning ye hoga, and there is an instructor who is correcting us. So that way we can, you know, even decipher a very good text of that time. So we can do something. सभ्येभ्यः जनेभ्यः नमो नमः. मम नाम सोनाली अस्ति. अहं जैव प्रौद्योगिकी विभागस्य छात्रा अस्ति अस्मि. इधर आने से पहले आई हैड रेड संस्कृत टिल क्लास 10th एंड माय एक्सपीरियंस हैड बीन अ वेरी गुड वन. आई मीन इट्स अ सब्जेक्ट व्हिच कैन रियली वेर यू कैन रियली स्कोर अ लॉट एंड इट कैन एक्सेलरेट योर अदर लर्निंग प्रोसेसेस एज वेल. एंड एज फार एज माय थिंकिंग बिफोर कमिंग हियर इज कंसर्नड, संस्कृत आई हैड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन राइटिंग संस्कृत. लिखने में ज़्यादा ध्यान था, समझने में ज़्यादा ध्यान था. लेकिन जैसा कि हमारे शिक्षकों ने बताया, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इट्स इम्पेरेटिव दैट वी लर्न टू स्पीक इट. दैट्स द फर्स्ट स्टेप, वन ऑफ द फ्यू बेसिक स्टेप्स. सो दिस क्लास इन अ वे वॉज एन इम्पीटस टू मी टू जस्ट ट्राई स्पीकिंग संस्कृत इन वट एवर वे आई कैन. एंड इवन वाइल आई एम इन LHC अटेंडिंग क्लासेज, आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई communicate with my friends using Sanskrit as a medium. So, and as far as the activities that are concerned of the Sanskrit Club, we can organize just a minute programs for us to just blabber out whatever we have in mind in broken Sanskrit. Mm-hmm. And that will really help us accelerate our learning processes. So thank you. It was great coming here. सर्वे जनाः नमो नमः. मम नाम जयन्तः अस्ति. अहं यांत्रिकी अभियांत्रिकस्य रिसर्च स्कॉलर अस्ति.
what to tell. Means I have been learning English since my childhood, being from a convent school, but I never thought English as my language because it's not mine, to be frank. It has come from the outside and I have been studying it. Every one of us have been doing that. But somewhere you search for an originality. So, मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत is the language that we would be searching for. And I would like to be associated with Sanskrit Bharati till Sanskrit comes in the mainstream. And English takes the backstage, as it should have been. Okay, thank you. मम नाम पापनी अस्ति और अहं सिविल विभागे छात्रा अस्मि. अहम् एकः विषयः वदामि कि संस्कृत क्लब् अपार्ट् फ्रम् द संस्कृत क्लब् मीन्स् ऐ वाण्ट् एव्री स्टूडेण्ट् टु कण्टिन्यू द संस्कृत मीन्स् वाट् एवर् यु लर्न् इस् जस्ट् अ बेसिक् थिङ्ग्. So from this you can collect some online materials and you can go on study. Like first thing is that from the songs, there are many Vedic songs which we know, Om Bhurbhuva Swaha. Many Vedic songs we know. First of all, let us know all the meanings of all this and start learning from all this and just continue. Whatever we have to just spend half an hour of time daily and just continue the way of Sanskrit so that we will be benefited. And I don't think this is a time waste, this is a relief impact as to my knowledge. And I want to the only way people can get in their memory is that a song or some mantra. So I like Sanskrit class to contribute like kuch gana gaakar, like by way of reciting mantras, we can have more knowledge over hi-fi language. Hi-fi, everything will have some hi-fi language apart from basic. So we can learn all that hi-fi and very good Sanskrit. Professor Sharma Mahodaya. सर्वजनेभ्यः नमो नमः. अहं शिवप्रकाश शर्मा अस्मि. अहं प्राचार्यपदं शोभामि गणित विभागे. जब मैं इस कक्षा में आया तो मुझे अपना पुरानी कक्षाएं याद आई. जैसा अभी कुछ लोगों ने और भी बताया कि कक्षा 6 से ही उत्तर प्रदेश बोर्ड में कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक संस्कृत अनिवार्य था विषय करके. उसके बाद में 10वीं में वो हिंदी के साथ में थोड़ा चलता था, फिर 10th में भी उसकी रातों चलता था. अब मुझे यहाँ आकर के थोड़ा सा अफसोस हुआ तो ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं एक अच्छे विद्यार्थियों में से रहा. तो मुझे आज यहाँ आज या जब से मैं इसको अटेंड कर रहा हूँ तब से मुझे लगा कि शायद हमारे शिक्षकगण भी उस समय इस प्रकार का ध्यान भी देते. हालांकि मैं उनको दोष उस सेंस में नहीं देता, उन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ाया, लेकिन शायद संभाषण का भी अगर वो प्रयास कराते तो शायद, मतलब मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं बहुत अच्छे ढंग से सीख सकता था. मुझे अभी भी बहुत ही चीज़ें याद हैं कि इवन आपके जो आप माहेश्वर सूत्र हैं, अयि उन रिले के ओं अयि ओच, और से अकह सवर्ण दीर्घ संधियों के जो वो हैं, वो सब अभी भी कुछ हद तक याद हैं. तो मुझे इस बात का बड़ी खुशी हुई कि मैंने यहाँ आकर के कम से कम संभाषण के प्रति भी मेरी मनोभावना जागृत हुई. और मैं संस्कृत क्लब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन अपने IIT कैंपस के अंदर किया, और सभी लोग मैं समझता हूँ लाभान्वित इससे हुए होंगे. इसके अलावा भी मुझे IIT रुड़की में मंदिर की एक सरस्वती मंदिर यहाँ पर है, इसके प्रबंधन समिति में मुझे रखा हुआ है, और उसके लिए भी मैं अपने ईश्वर का ही धन्यवाद देता हूँ कि मुझे संस्थान ने भी या ऊपर वाले ने वो निमित्त उसके लिए बनाया.
मैं अभी सभी छात्रों से अपनी तरफ से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सरस्वती मंदिर है, यह सरस्वती मंदिर कदाचित सर्वे विद्यार्थी गणा न जानामि न जानन्ति। यह मंदिर आई थिंक बैठे हैं हमारे पास एक उस बैच के 1957 में मंदिर की स्थापना हुई सरस्वती मंदिर की, और सौभाग्य से मंदिर का नाम श्री सरस्वती मंदिर है, और उसका जो आधारशिला रखी वो भी सरस्वती माता ने सरस्वती को ही बुलाया। मेरा तात्पर्य है श्री सरस्वती श्रीमती सरस्वती गिरी जो श्री वराह वेंकट गिरी की धर्मपत्नी थी, उनके करकमलों से उसकी आधारशिला रखी गई। प्रोफेसर खौसला साहब उस टाइम वाइस चांसलर हुआ करते थे, तो उन्होंने यहाँ पर रखा, और एक बड़ी अपने इसके अंदर क्रांति है। उसके सामने जैसे पीर बाबा जो हैं कि वो मोहम्मदन हैं, वो मोहम्मदन नहीं थे जितना मुझे मालूम चला है, वो एक हिंदू पहलवान थे, और उन हिंदू पहलवान के वो थे शिष्य थे या जो भी पहलवान थे, उन्होंने कुछ पैसा दे करके, कुछ उसमें से हिंदू थे पहलवान कुछ मुस्लिम भी थे, तो हिंदू पहलवान को उन्होंने पैसा दे करके हरिद्वार में भेजा आश्रम के लिए, तो वो पैसा गमन करके वो गायब हो गया, और जो मुसलमान जो शिष्य था उनकी उससे हार्ट अटैक हो गया बाबा को, तो उसने उनकी ये बना दिया, यानी उसने उसको रेकरिंग आमदनी का सोर्स बनाया मुस्लिम ने, और हिंदू एक ही बार में उसको सब धन को ले लिया। तो ये प्रोसेस, और ये पीर बाबा मंदिर के अंदर था जो उसका कैंपस उसमें है के अंदर वो थे। मैं इस IIT रुड़की के उस समय तो रुड़की विश्वविद्यालय था 1977 में एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आया, तो सब काफ़ी उसकी अच्छे दशा अच्छी नहीं थी, तो धीरे धीरे करके ईश्वर की कृपा से और सभी लोगों के सहयोग से आज मंदिर इस स्थिति में है। तो इस सबको बताने से मेरा तात्पर्य केवल ये कि मैं अभी सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि हम इस जो संभाषण है इसको आगे बढ़ाएं, और हम लोग मंदिर में जो अभी एक विद्यार्थी ने कहा भी था रविवार को प्रातः 10 से 11 बजे का समय निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें हम लोग गीता का पाठ करें, श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ करें, या और भी मेरा प्रवतीर आपके पास वो हैं उनके अध्ययन के रूप में हम सब लोग वहाँ पर एकत्रित हों और उसको आगे बढ़ाएँ। संजय महोदय भवतः अनुभवं अहं संयुक्तमहोदय सङ्गणक अभियान्त्रिकी योगे सेवानिवृत्त अध्यापक अहं पूर्वे संस्कृत पठितवान् परं संस्कृतं विस्मृतवान्। संस्कृत संभाषण से के बाद और सुरेश है इस बार में शिवराम अति उत्तम एकं श्लोकं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या जीवान भारती तस्मात् हि काव्य मधुरं तस्मात् हि सम्भाषणं। यह देवताओं की भाषा और इससे सुंदर भाषा शायद। वक्तुमिच्छति अनुभवकथनं
छात्रातः कोऽपि वक्तुम् इच्छति अनुभवकथनं मीनाक्षी शीघ्रम् एकनिमिषं नमो नमः मम नाम मीनाक्षी अहं जीव प्रौद्योगिकी विभागे रिसर्च स्कॉलर अस्मि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव ह्यूज 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 थैंक्स टू एवरीवन क्योंकि संस्कृत हमारे प्राचीन भारत की एक मुख्य भाषा रही है हमारे सारे वेद पुराण जो भी लिखे गए इसी भाषा में लिखे गए हैं यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि संस्कृत भाषा सीख के क्या करोगे 10 दिन का है कितना सीख पाओगे बहुत सारी चीज़ें रिसर्च स्कॉलर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि लैब में ज़्यादातर हमारा टाइम चला जाता है उसमें से भी टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मैं यहाँ पे आई और जब जब हमने गीत यहाँ पे गाए या जब जब भी कोई श्लोक का उच्चारण किया वो इंटरनली इतना अच्छा फील करवाता है मतलब वो एक एनवायरनमेंट वो ऑरा जो बनता है दैट इज़ वेरी मेसमराइजिंग तो मैं चाहती हूँ कि इतना मैं नहीं सीख पाई इन दिनों के अंदर जिसका मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट मैंने सीखा है लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि हम सब इस चीज़ को कंटिन्यू करें मतलब हमेशा नहीं हो सकता लेकिन मंथ में एक बार क्लासेस हम कर सकें जिससे हम इसको कंटिन्यू कर सकें क्योंकि ये हमारी प्राचीन भाषा है और इसी संस्कृत क्लब के द्वारा या छोटी छोटी क्लासेस के द्वारा हम इसे फिर से उस लेवल पे जीवंत कर सकते हैं और निरंतर इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी साइंस जितने भी वेद है जिसमें हमारी साइंस है वो सब संस्कृत में है और लाइक नासा वगैरह कुछ ऐसे कंप्यूटर्स बना रहे हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं जो कि इस पे बेस्ड होंगे संस्कृत भाषा पे और हम भारतीय हैं तो हमें इसकी नॉलेज होनी ही होनी चाहिए बाहर के लोग इस भाषा से कुछ लेके उसका पेटेंट करवा रहे हैं इस और हम इसका इतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा और सीखें और इसको थोड़े उच्च लेवल पे लेके जा सकें धन्यवाद साप्ताहिक कक्षा निश्चय भविष्य ऑनलाइन क्लासेस मतलब वीकली क्लासेस अवश्य रहेगा तो आप उसमें भी स्वागत है ये तो केवल एक परिचय करने के लिए और कोपी शीघ्र सर्वे जना नमो नमः मम नाम जयदीपः मम नैनोटेक विभागस्य छात्र अस्ति संस्कृत पाठन मम स्वप्न आसीत् एषः शिविर मध्ये मम स्वप्न पूर्णम अस्ति धन्यवाद अब हिंदी में स्विच करते हैं दरअसल जो सुबह मैं कोशिश करता हूँ कि भगवद गीता का अध्ययन करूँ लेकिन भगवद गीता में सारे श्लोक हैं और जब भी इनका हमें अर्थ कोई बतलाता है जैसे कि बहुत बड़ी किताब है वो और उसमें एक गुरु है उन्होंने इसका उच्चारण मतलब वो लिख रखा है जो भी इसका भावार्थ है तो जब मैं उसे भावार्थ को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ जो इन्होंने सोचा है इस श्लोक को पढ़ने के उपरांत मुझे वो पढ़ना पड़ रहा है तो इस वजह से मुझे हमेशा ये दुख होता था कि मुझे संस्कृत नहीं आती है तो ये जो शिविर है यहाँ पे आना मतलब जब मैंने नोटिस बोर्ड में देखा तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये मेरा पहला वो था जिसमें किसी नोटिस बोर्ड को देखने के बाद मैंने कहा कि हम चलेंगे तो और पहली क्लास में गुरुदेव बहुत अच्छा पढ़ाया आपने मतलब जो इंटरेक्शन था सर का जो भी अपने छात्रों के साथ था बहुत अच्छा था और मैं थोड़ा सा अंतर्मुखी स्वभाव का हूँ अभी भी मैं यहाँ खड़ा होकर कांप रहा हूँ लेकिन ये मेरी इच्छा थी कि मैं इस चीज़ को पढ़ूँ और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ और शायद मेरा वो जो स्वप्न है श्रीमद् भगवद गीता को पूरी तरह समझने का शायद साकार हो सके धन्यवाद ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः बाला सर्वे श्रीरामाः
idam akila shariram hari mandiram idam akila shariram dhana shakti jana sevayai yatra cha kridayaiva narajaha Mata Paramashiva Nityam Prataha Shiva Gunaganam Deepamuti Khalu Shatrupara Yatra cha Bala Devi Swarupa Bala Sarve Shri Rama Bala Sarve Shri Rama Bhagya Vidhayini Jarjita Karma Yatra Shama Shri Amar Jayati Yaga Dhananam Tapo Nidhinam Gatham Gayati Kavivani Nityam Prataha Shiva Gunaganam Deepanuti Khalu Shatrupara Yatra cha Bala Devi Swarupa Bala Sarve Shri Rama Bala Sarve Shri Rama Yatra hi naiva svadeha vimoha Yuddharatanam viranam Yatra cha krishakaha karyaratah san Pashyati jivana safalyam Jivana laksham nahi dhana padavi Yatra cha parashiva pada seva Yatra cha bala devi swarupa Bala sarve shri rama Bala sarve shri rama Mrutajitajandanamasmin deshe gramo grama sidhravanam Yatra cha bala devi swarupa Bala sarve shri rama Bala sarve shri rama जो भी हम सीखे हैं उसके आधार पर कोई कथा कोई कविता कोई हास्य कणिका बोलेंगे परिचय करो तो सर्वे जने नमो नमः मम नाम ब्रजेंद्र अस्ति अहम जय प्रौद्योगिकी विभागे अध्ययनम करोमि अहम गृह भवनम बिहार राज्यस्य सारण जनपदम अस्ति इधर अहम एकम कविता वादती बादामि दिवस गतवंत कतिचम स्वप्न व्यक्त व्यक्त धावनम मम अपि अभवत पदस स्खलित स्तंभक स्तंभक पक्षिनाम गीत श्रुत्वा मम मुक्त चक्षुस तदानीं मातुर्य हस्ते वलयम मधुरतम ध्वनि वादयति इदानी माता वादती उत्तिष्ठात नौ जीवन काल आगत इसका मतलब ये है दिन गुजर गए कुछ स्वप्न बुनते बुनते दिन गुजर गए कुछ स्वप्न बुनते बुनते दौड़ तो हमने भी लगाए थे पैर फिसल गए ठहरते ठहरते पक्षियों की गीत सुनकर आँख खुली थी मेरी अब माँ की चूड़ियों की आवाज मधुर आई थी माता बोली उठ जा पुत्र अब नए नए जीवन की उड़ान की बेला होगा
नमो नमः मम नाम सोनाली अस्ति प्रसन्नः भवितुं निधेः आवश्यकता नास्ति एकः जनः प्रेमं प्राप्तं कृत्वा एव सुखी भवति प्रेमं ईदृशं भावम् अस्ति यः अस्मान् जीवितः भवितुं कारणं ददाति अस्माकं माता अस्मभ्यं प्रेमेण पालयति तदैव वयं जीवनस्य भिन्नानि अर्थानि जानीमः प्रेमम् एव अस्माकं ज्योतिः अस्ति अस्मिन् संसारे सद्भावना प्रेमं च विकासितुम् अस्माकं दायित्वम् अस्ति इसका अर्थ है कि प्रसन्न होने के लिए किसी इंसान को किसी व्यक्ति को निधि या फिर धन की कोई आवश्यकता नहीं है प्रेम को ही प्राप्त करके कोई व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त करता है प्रेम एक ऐसा भाव है जो हमें जीवित रहने का हमें हमारे जीवन को अर्थ देता है हमें जीवित रहने का अर्थ देता है हमारे जीवन को लक्ष्य देता है हमारी माता हमें प्रेम से ही पालती है तभी आगे चलकर हमें जीवन के भिन्न अर्थ समझ में आते हैं जीवन के रहस्य समझ आते हैं प्रेम हमारे जीवन की ज्योति होती है इस संसार में सद्भावना और प्रेम को विकसित करना प्रेम को फैलाना हम सबका दायित्व है हम सबकी जिम्मेदारी है नमो नमः मम नाम सुजितः मम विभागं यांत्रिक विभाग कक्षा में एक वर्ष रिसर्च स्कॉलर हूँ तो हियर आई एम रिसाइडिंग ए सॉन्ग दिस द नेम इज लिंगाष्टकम दिस सॉन्ग यूजुअली वी यूज टू सिंग इन शिवा टेम्पल एट द टाइम ऑफ निर्माल्याभिषेकम एट 4 AM So, before attending the class, I also used to recite this song, but before attending these classes, I was not able to know the meaning of this. But something if Shiva gives, I should also recite, so I went and I used to recite. But now I am able to know the meaning. So, this is praising the Shivalinga. That means Lord Brahma and Vishnu, all gods praised Shivalinga. And in Padmanabha temple, you all have heard that huge amount of khajana, which can buy the total India, is there. So there also, if you can see, Padmanabha is just praising Lord Shiva. This is Shivalinga. So I will recite that slok. Brahma Murari Surarchita Lingam निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपदिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कुङ्गुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्गजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्जितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं
भावैर्भक्ति भिरेव जलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगम सर्वसमोद्भवकारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशनलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजितलिंगम सुरवन पुष्प सदार्चितलिंगम परात्परं परमात्मगलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यपठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोददे. Thank you. निवेदनं करोमि अद्यतन मुख्यवक्ता प्रोफेसर महावीर मगरवाल अगरवाल महोदयः कृपया आसन्दः स्वीकरोतु. प्रोफेसर एस पी सिंह महोदयः मानवीय एवं सामाजिक विभागं अध्यक्षः कृपया आसन्दं स्वीकरोतु. अद्यतन चीफ गेस्ट प्रोफेसर रामनगर महोदय डॉक्टर प्रकाश पंत महोदय निवेदयामि यत्ते मुख्य अतिथीनां परिचयं कारयन्तु स्व उद्बोधनं च ददातु. नमः सभायै. अत्र वेदिकायां मध्ये मुख्य अतिथि रूपेण मुख्य वक्तृ रूपेण च समागताः मम गुरवः उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयः प्रोफेसर महावीर अग्रवाल महोदयः. अन्येषां परिचयः अत्र ये उपस्थिताः सन्ति ते जानन्ति एव. महोदयः विभागाध्यक्षाः पूर्वमपि चत्वारि दिनानि यदा अहम् अत्र पाठयितुं समागतः तदानीमपि दर्शनं जातम्. अतीव आनन्दम् अनुभूतं मया. मानविकी सामाजिकविभागस्य च विभागाध्यक्षमहोदयः अत्र सन्ति. अहम् अस्मिन् अवसरे अधिकं न वदामि, किन्तु काश्चन वार्ताः सन्ति याः अत्र एव यदि उच्यन्ते चेत् लाभः इति. यथा अनुभवः अस्माभिः श्रुतः, अहं प्रायः 21 वर्षेभ्यः एतादृशसम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनं करोमि. जम्मूकश्मीरतः कन्याकुमारीं यावत् अस्माभिः संस्कृतस्य कार्यक्रमाः कृताः कारिताश्च. परन्तु अखिलभारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थाने यत् अस्माकं सम्भाषणशिबिरम् आसीत् तस्मिन् शिबिरे यः अधिगमकर्तॄणां वा छात्राणां सम्मुखे ये उपस्थिताः केचन वरिष्ठाः अपि सन्ति, तेषां यः अनुभवः आसीत् यस्य तस्य किं वदामः प्रत्युत्तरं तद् दृष्ट्वा अस्माकं मनसि एषः भावः समागतः यत् अल्पेन प्रयत्नेन यदि कुत्रचित् संस्कृतं पाठयितुं शक्यते चेत् तद् स्थानं नाम IIT रुड्की. अतः एतेषां यन्त्राणां द्वारा यथा प्रौद्योगिकी इति अस्माकं संस्थानस्य नाम, इदानीं संस्कृते प्रौद्योगिक्याः प्रयोगस्य आवश्यकता अस्ति. अतः भवन्तः सर्वेपि प्रौद्योगिकीं जानन्ति. प्रौद्योगिक्याः आधुनिकयन्त्राणां सङ्गणकस्य भिन्नभिन्नयन्त्राणां द्वारा संस्कृतं कथं समाजे प्रसारयितुं शक्यते, तत्र कश्चन भवतां भवितुमर्हति सहयोगः. तदर्थं भवन्तः प्रार्थ्यन्ते. वयं तु यत्र तत्र गत्वा अहर्निशं संस्कृतं पाठयामः पठामश्च, किन्तु सङ्गणकद्वारा संस्कृतस्य यथा वयमत्र स्मः इदानीं फेस्बुक् द्वारा अथवा अन्य
माध्यमानां प्रयोगेण वयं संस्कृत सन्देशं प्रेषयामः चेत् तत्र मध्ये यत्किमपि अहं जानामि तत्र सन्देशे विलिख्य अपरं प्रति प्रेषयामि चेत् सः पुनः सर्वत्र प्रसरति. अतः एतस्याः संस्कृतभाषायाः यत्किमपि ज्ञानं भवद्भिः एतेषु दशदिवसेषु अत्र अर्जितं तस्य यावत् शक्यं प्रचारप्रसारं कुर्वन्ति चेत् समाजः लाभान्वितः स्यात्. यदा केचन उक्तवन्तः यत् प्रातःकाले वयं वन्दनां कुर्मः स्तुतिं कुर्मः वेदमन्त्राणाम् उच्चारणेन मानसिकी शान्तिः भवति, तदर्थमपि अनेके श्लोकाः सन्ति सुभाषितान् सन्ति तेषां सङ्ग्रहं कृत्वा वयं सायं प्रातः तद् यदि पठामश्चेत् अस्माकं आत्मिकशान्तिः आध्यात्मिकी उन्नतिः इति भवितुम् अर्हति. यत्किमपि अस्माभिः पठ्यते कश्चित् गणितविभागे सामाजिकविज्ञानविभागे अभियान्त्रिकी प्रोद्योगः तत्सर्वम् एतत् कुर्वन्तु नाम बहु उत्तमं समीचीनमस्ति. सर्वे संस्कृतं पठिष्यन्ति चेत् पुनः सेतूनां निर्माणं कः कुर्यात्, यन्त्राणां निर्माणं कः करिष्यति, एतत् भिन्नं. किन्तु अस्माकं या पुरातनी भाषा या अस्माकं संस्कृतिः तस्याः संस्कृतेः तस्याः भाषायाः संरक्षणाय यत्किमपि भवद्भिः अत्र अधीतं तु तस्य प्रचारप्रसाराय भवन्तः सर्वे प्रार्थ्यन्ते. अतिथिभ्यः स्वागतवचांसि उक्त्वा अहं विरमामि. नमो नमः.